इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर दिग्विजय सिंह को लेकर। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। खजुराहो थाने में 60 और लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन लोगों पर परमिशन के बिना थाने के सामने धरना करने की वजह से एफआईआर दर्ज हुई है। खजुराहो में आचार संहिता का उल्लंघन का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश में अभी ही हाल ही में मतदान हुए हैं, जिसके बाद ये नया मामला आया है। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में क्या कुछ शामिल है, आप खुद ही सुनिए। कि आज अपर कलेक्टर छतरपुर का प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ था, जिस आधार पे हमने 188 आईपीसी की एफआईआर रजिस्टर्ड करी है, जिसमें दो नामजद और अन्य करीब 60 से 70 लोग हैं। सर, क्या पूरा मामला था क्या? नहीं, इनके द्वारा ये थाना परिसर के सामने बिना कोई वैध अनुमति के टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन किया गया था, जबकि पूरे प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है। इसमें हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, इस आधार पर हमने एफआईआर रजिस्टर करी। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।